वार्ड 82 के बीजेपी प्रत्याशी शानू शर्मा ने अपने क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी को वार्ड में मतदाताओं का अपार जन समर्थन मिला। पूरे क्षेत्र में उनका भव्य स्वागत मतदाताओं ने किया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को झंडे और बैनर से भगवामयी बना दिया। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि लखन दादा के आदर्श पर चलते हुए वार्ड 82 को अयोध्या बनाएंगे। वार्ड 82 से बीजेपी प्रत्याशी शानू शर्मा ने जनसंपर्क शुरू किया है। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र से अच्छा जनसमूह उनके साथ चल रहा था, तो वहीं उनको महिला मतदाताओं और मातृशक्ति का भी अच्छा सहयोग मिल रहा था। पूरे क्षेत्र में भगवा झंडे ढोल ताशे के साथ शर्मा ने धुआंधार जनसंपर्क किया। कई जगह उनका पुष्प मालाओं और हार से स्वागत किया गया, तो कई जगह महिलाओं और बालिकाओं ने उनकी आरती भी उतारी। अपने संबोधन में शानू शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में काफी अच्छा विकास बीजेपी ने किया है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं दिन प्रतिदिन उभर कर सामने आती है, जिनको वह जीतने पर तुरंत दूर करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उनके आदर्श लक्ष्मण सिंह गौर रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हैं। वार्ड 82 को भी अयोध्या की तरह अति सुंदर बनाएंगे। नहीं, समस्याएं तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सुविधाएं तो सभी करी हैं। नगर निगम ने रोड भी बनाए, ड्रेनेज भी डाली, पाइपलाइन डाली, लेकिन वो उतार चढ़ाव होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोई विशेष ऐसी समस्या नहीं है। बाकी और हमारे आने वाले पार्षद हैं तो ये हल कर ही देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है ऐसा। अब ये तो बीजेपी का क्षेत्र, तो बीजेपी चुनेंगे। पहले और अब में काफ़ी सुधार है वैसे तो, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा आज ना कोई प्रतिनिधि आता था और ना यहाँ कोई कार्य हुए थे। आज अपने यहाँ पे रोड, जल, पानी का सभी का अपना यहाँ पे हो चुका है, लाइट वगैरह। पहले एक ऐसा समय भी था जब हमारे को लाइट के लिए विलसी कारखाने पे जाना पड़ता था और रात में तार गाड़ के और यहाँ लाके और फिर अपने यहाँ घर की लाइट जलाना पड़ती थी। एक वो समय भी था और यहाँ पे कीचड़ की ऐसी वो थी कि आप देख के बता नहीं सकते कि कैसी व्यवस्था थी। आज यहाँ पे ये है कि लगभग सभी कार्य हो चुके हैं। हाँ, छोटे मोटे काम अभी कुछ बाकी रह गए हैं जो अपने भावी पार्षद अभी शानू जी शर्मा खड़े हुए हैं वार्ड 82 से, उनसे हम अनुरोध करके और ये कार्य करवा लेंगे। गुरु शंकर में जनसंपर्क आज हमारा, सबका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, सभी भाइयों का, बहनों का, माताओं का, सबका जनसंपर्क बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा ही बस सहयोग मिलता रहे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। पानी की बहुत समस्या है तो बिल्कुल बस नहीं, तो। नहीं बिल्कुल सबकी समस्याओं का हल होएगा, धीरे धीरे सब चीज़ का हल होएगा। पानी की समस्या, सभी पानी की समस्या, ड्रेनेज लाइन, सभी का हल होएगा। ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 और वार्ड क्रमांक 82 गुरु शंकर नगर कॉलोनी है, बस्ती क्षेत्र है। यहाँ पर श्री राम नगर और गुरु शंकर नगर के अंदर आज जनसंपर्क चल रहा है। हाँ, समस्याएँ क्योंकि बस्ती क्षेत्र भी और थोड़ा ऊंचाई पे होने की वजह से ड्रेनेज की और नर्मदा की समस्या है। यहाँ पर सबसे पहले विकास किया है और विकास ही करेंगे अपन, तो विकास के लिए आए हैं। यहाँ पर जनता ने चुना है तो बिल्कुल विकास जो इनने बोला है वो काम सबसे पहले अपन को प्राथमिकता से करना है यहाँ पर।